हमारी माँ जब हमें ससुराल विदा करती है तो वो भी सिंदूर लगा के मिठाई खिला के हमें ससुराल भेजती है। उसी प्रकार भी सबका सुहाग बना रहे हैं, इसीलिए उनको सिंदूर लगा के सबको भी सिंदूर से हम लोग भी खेलते हैं। माँ दुर्गा बेटी है, हम लोग उनको बेटी को अपने घर से विदा कर रहे हैं, वो ससुराल जा रही है। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सदन से। आज बंगाली समाज के द्वारा, बंगाली महिला के द्वारा सिंदूर खेला क्या जाता है, हम आपको बताते चले कि दशहरा पूजा चल रहा है और दशमी के दिन जब प्रतिमा का विसर्जन होता है, माता के चरणों में माता को सिंदूर चढ़ाकर और जो बंगाली महिला जो होती है वो सिंदूर खेलती है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, माता रानी का तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे बंगाली महिला के द्वारा सिंदूर चढ़ाया जा रहा है और सिंदूर चढ़ाने के बाद महिला जो बंगाली महिला है वो आपस में सिंदूर खेलती है, सुहागन रहती ताकि उनका सुहाग जो है कुशल रहे, और प्रार्थना करते हैं और इसमें कई अनुष्ठान भी माने जाते हैं। और हम एक एक करके महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर, पूरे महिला जो बंगाली समाज की जो महिला है, तमाम यहाँ पे महिला यहाँ पे मौजूद है और सिंदूर माता के चरणों में चढ़ा के उसके बाद एक एक करके अपने जो बंगाली समाज की जो महिला होती है वो सिंदूर लगाती है। एक एक करके हम बातचीत करते हैं महिलाओं से, क्या कुछ कहेंगे सिंदूर जी? आज आप लोग बंगाली महिला जो है सिंदूर खेलते हैं, क्या कुछ खास रहता है? सिंदूर खेला से यही है कि माता के आशीर्वाद से हम लोग का भी सबका सुहाग बना रहे हैं, इसीलिए उनको सिंदूर लगा के सबको भी सिंदूर से हम लोग भी खेलते हैं ताकि दीर्घायु होने का हमें भी आशीर्वाद मिले हमारे पतियों के लिए। आज माता रानी का विदा हो रहा है, हम लोग सिंदूर खेलने आए हैं, विदा कर रहे हैं माता रानी को, अगले साल फिर आएंगी तो फिर आप देख रहे होंगे फर्स्ट ईयर झारखंड पर किस तरीके से जो बंगाली समाज की जो महिला है वो माता रानी को सिंदूर लगाकर फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं ताकि उनका सुहागन खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे। क्या कहेंगे? हम लोग अपने सौभाग्य के लिए माता के सिर पे सिंदूर लगाते हैं, वो हम लोग की सेवा करती हैं, इसलिए हम लोगों को विदाई होता है तो हम लोग उनको खोइछा देकर सिंदूर लगाते हैं। भगवान हम लोग को सुख समृद्धि करें और बाल बच्चा को सुख समृद्धि प्रदान करें। क्या कहेंगी मैम आज आप लोग? सिंदूर खेला हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम जब शादी के बाद मायके जाते हैं, मायके जाने के बाद हमारी माँ जब हमें ससुराल विदा करती है तो वो भी सिंदूर लगा के मिठाई खिला के हमें ससुराल भेजती है। उसी प्रकार माँ जब यहाँ 4-5 दिन के लिए आती है, उसके बाद जब वो ससुराल जाती है तो हम भी उन्हें उसी तरह सिंदूर लगा के मिठाई खिला के घर विदा करते हैं और आपस में हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए सिंदूर खेला हमारे लिए महत्वपूर्ण। और भी महिला है यहाँ पे, क्या कहेंगी आज आप लोग? हाँ आइए, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही है कि हर साल ऐसे ही आती रहे, हर साल हम लोग को खुशी मिलते, खुशियाँ मिले, सब ऐसे ही साथ में सिंदूर खेला करे, अपनी सुहाग की कामना करे। सिंदूर खेला माता से सौभाग्य प्राप्त करने का एक बहुमूल्य अवसर है महिलाओं के लिए कि माता जाते जाते अपने सुहाग की दीर्घायु होने का आशीर्वाद हम महिलाओं को प्रदान करती हैं। इसलिए महिलाएं माता को सिंदूर लगा के आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं ताकि सबका सौभाग्य इसी तरीके से बना रहे। क्या आज आप लोग सिंदूर खेला खेल रहे हैं, माता रानी का अच्छा लग रहा है? सिंदूर खेलने आए, सिंदूर सुहागन के लिए होता है तो माता रानी से आशीर्वाद लेने आए कि सदा सुहाग बनाए रखे और घर को अच्छा रखे और अगले साल फिर आए इसी उत्साह से। आप लोग माता रानी के चरणों में या उनके माथे पे सिंदूर लगा के फिर आपस में सिंदूर खेलेंगे? हाँ, एक दूसरे को सिंदूर खेलेंगे, उनको लगाएंगे हम लोग, एक दूसरे को लगाते हैं, नाचेंगे गाएंगे खुशी मनाएंगे उनकी विदाई में। पता नहीं आओगी कि नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो नहीं। देखिए ये तमाम तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, यहाँ बंगाली समाज की जो महिला है
यहाँ पे खड़ी हैं एक एक करके लाइन में, और माता को जो ये सिंदूर चढ़ा के उनको, उसके बाद ये लोग आपस में जो है सिंदूर जो अपने गाल में लगा के सिंदूर जो है इनकी जो खुशी बरकरार रहे, सुहागन इनकी सुहाग जो है खुशी रहे, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। और भी महिलाएं हैं, हम बातचीत करेंगे। सीधे तौर पर ये आप तस्वीर देख सकते हैं बंगाली अखाड़ा के, यहाँ बंगाली महिला है यहाँ पे सिंदूर देखिए किस तरीके से आपस में लगा रही हैं। और ये जो विजयादशमी है, दशमी के दिन ये लोग आपस में सिंदूर लगाते, जब माता रानी को सिंदूर चढ़ा देती हैं तब उसके बाद ये लोग सिंदूर लगाती है ताकि उनका जो सुहागन है ये बना रहे। देखिए यहाँ सीधे तौर पर हम बातचीत करते हैं, यहाँ पे क्या कहेंगे आज आप लोग सिंदूर खेल रहे हैं? मैं बिहारी हूँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा ये विजयादशमी के दिन आप लोग, बहुत ही अच्छा ये अच्छा, मतलब शुभ के लिए बहुत अच्छा होता है, शुभ के लिए अच्छा होता है। क्या कहेंगे मैम आज विजयादशमी के दशमी है और आज माता रानी को आप लोग सिंदूर चढ़ा के तब उसके बाद आप आज माँ दुर्गा बेटी है, हम लोग उनको बेटी को अपने घर से विदा कर रहे हैं, वो ससुराल जा रही है, तो हम लोग उनको खुशी खुशी सिंदूर से चावल से सब चीज़ से भरपूर के हम लोग माँ को घर भेज रहे हैं। और वही उपलक्ष्य में हम लोग सब सुहागने जो है उनको सिंदूर लगाते हैं, और हर एक सुहागन खुद एक दूसरे को सिंदूर लगा के अपना ये दशमी का पूजा सभी करते हैं, संपन्न करते हैं। बस आज माँ का बोरन किया, बस यही है कि अगले साल भी माँ खुशी खुशी हमारे बीच में आए, और जितनी भी दुनिया में अशांति हम लोगों के बीच में अशांति है सब दूर हो, शांति फैले सबके बीच में, यही माँ से कामना है। ये सीधे तस्वीर देख सकते हैं बंगाली अखाड़ा का, जो बंगाली समाज की जो महिला है उनके द्वारा आज ये सिंदूर लगाकर एक दूसरे को सुहागन खुश रहे। और यहाँ पे सीधे तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे, क्या कहेंगे आज आप लोग सिंदूर लगाकर एक दूसरे को क्या बोले आज आप लोग माता रानी, आज दशमी है, माता रानी को सिंदूर चढ़ाकर एक दूसरे को सिंदूर लग खेलती हैं। माँ विदा हो रहा है ना, तो हम लोग को शुभ मानता है जो सिंदूर लगा के माँ को, माने सुहागन जो है हम लोग सब सुहागन को सिंदूर लगाते हैं, माँ सुहागन है, सुहागन जैसे सिंदूर लगा के विदा करता है, तो हम लोग आपस में भी सब जितना सुहागन है सब सिंदूर लगा के खुशी मांगते हैं शांति हो, बस अच्छा हो, यही सब खुश रहे, माँ के पास खुशी खुशी से आए, जैसे अभी जैसे खुश है नेक्स्ट ईयर ऐसे ही खुशी खुशी से उनको लाभ पाए, बाद भी आएंगे माँ हम लोग के यहाँ। देखिए वो तमाम तस्वीर आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे बंगाली समाज के द्वारा यहाँ पे सिंदूर लगाकर एक दूसरे को यहाँ पे जो आगे की जो एक साल जो जो दिन रहे वो बेहतर रहे, सुहागन जो जो है उनका सुहाग जो है बहुत अच्छे तरीके से चले, और ये बंगाली समाज के द्वारा बंगाली महिला के द्वारा यहाँ पे सिंदूर एक दूसरे को लगाया जाता है। देख सकते हैं तस्वीर आप सीधे तौर पर कि किस तरीके से एक दूसरे को यहाँ पे सिंदूर लगाकर जो उनकी जो सुहाग है वो बेहतर रहे, उसकी यहाँ पे ये लोग कामना करते हैं। माता रानी का आज विसर्जन होना है, और माता रानी का तस्वीर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से माता रानी का तस्वीर वहाँ पे सभी जो सुहागन हैं वो माता रानी को सिंदूर लगा रही है, उसके बाद फिर अपने ऊपर वो सिंदूर लगाएंगे, एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे, और उसके बाद वो लोग जीवन जो है आगे वो कुशल रहे उसको लेकर माता रानी से मनोकामना वो लोग करेंगे कि हम लोग का जो आगे की जो जीवन है वो कुशल रहे। वो तमाम तस्वीरें आपने देखा किस तरीके से बंगाली समाज की तरफ से जो बंगाली महिला होती हैं वो आज बिहार की राजधानी पटना बंगाली अखाड़ा है, यहाँ पे तमाम महिला जो बंगाल समाज की जो महिला हैं वो पहले माता रानी के सिंदूर चढ़ाती हैं, उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाती है ताकि उनका जो सुहाग वो फुसल रहे, और आगे जो है वो लोग जो अगले साल जो माता रानी आएंगी उसकी ये लोग कामना करते हैं, और जीवन जो है फुसल रहे उसको लेकर। ये एक परंपरा है, कई वर्षों से बंगाली समाज जो महिला है उनके तरफ से ये मनाया जाता है, और बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई किस तरीके से जो बंगाली समाज की जो महिला है वो तमाम महिला माता रानी को सिंदूर चढ़ाकर उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर।
मैं सदन सिंह पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।